हाँ तो टचअप हो गया आपका पिछली बार भी आप टचअप कर रहे थे नाज़रीन, मैं बैठी होती हूँ ये टचअप चल रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं ब्रेक में यहाँ पे। मैं पहाड़ सर करने गया था, हो गया, अच्छा? गया। यही सुनना चाह रहे थे। मैंने पहाड़ सर नहीं किया, जिनका काम उन्होंने कर दिया है और क्या जबरदस्त काम किया है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सरबाज खान, जो कि पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं, एल्पाइन माउंटेनियर हैं, और क्या जबरदस्त काम किया सरबाज ने। उनका मिशन था तमाम जो 14 चोटियां हैं 8000 मीटर से बुलंद उनको सर करना, और ये उन्होंने कर लिया है। वो ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए हैं। आखिरी चोटी रह गई थी जी, और ये आप हम कुछ मनाजिर ना वो अल्फाज के मोहताज नहीं होते। ये आप मनाजिर देख रही हैं? ये मैं देख रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ चल कैसे रही है इस तरह से, मतलब एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसे चल रहे हैं। नहीं, शूज और वो सब देखिए, उनको चलने में भी मुश्किल हो रही है, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 इंच आपका पैर जो है। अच्छा, इसके लिए खैर स्पेशलाइज ये जूते होते हैं, लेकिन ये हम सिर्फ कह रहे हैं आप ये प्रॉपर वॉक नहीं है, आपके नीज आपके काव्स हीट अप हो चुके होते हैं, इतना ही मुश्किल काम होता है। तो हाँ, तो खैर हम बता रहे थे आपको कि जो तिब्बत में थी चोटी शशपंगा, वो उन्होंने अब सर कर ली है, और इसके साथ ही सरबाज खान ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज हमारे साथ सरबाज मौजूद भी हैं, अब हम उनसे बात कर लेते हैं। सरबाज अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप पहले पाकिस्तानी कोपहमा हैं जिन्होंने जो आपका ख्वाब था 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर करने का, वो आपने कर लिया है, क्या जज्बात है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक पाप था जो मेरा, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत अरसे बाद, तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और अभी मैं पहुँचा हूँ अपने होम टाउन हमजा गाजियाबाद, और फैमिली के साथ भी टाइम गुजार रहा हूँ, अपनी ख्वाब पूरा करने के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यकीनन इस एजाज़ को पाने के लिए आप कई बार मुश्किलों से घिरे होंगे, कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा, ये बताइए कि इस जर्नी को कंप्लीट करने में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? चैलेंजेस तो ये चैलेंजिंग गेम ही है जो क्लाइंबिंग है, खासकर 8000 मीटर से बुलंद जो 14 चोटियाँ आएंगी ऊपर क्लाइंब करना आसान तो नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ख्वाब देखा था, जो मैंने सोचा था, ऊपर वाले ने उससे बढ़ के दिया मुझे, और एक के बाद एक मेरे जो मिशन समिट 14 के 14 पीक्स है वो सारे कंप्लीट कर लिए। इस दौरान काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, बिल्कुल हमारे अपने दोस्त करीबी दोस्त क्लाइंबिंग पार्टनर्स तक हमने गंवाया इस क्लाइंबिंग में, तो पर यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सरबाज, 14 चोटियां आपने सर की, कौन सी जो पीक थी वो सबसे ज़्यादा मुश्किल रही आपके लिए? ज़्यादा टफ टाइम हमें जो मेरा पहला पीक था मिशन समिट 14 का नंगा पर्वत, जो कि हमने वो 2 अक्टूबर 2017 को क्लाइम किया था, जो कि दुनिया की पहली ऑटम एसेंट थी। वो अली मरहूम साथ थे, मोहम्मद अली साथ पारा मरहूम, तो उसने मुझे बहुत टफ टाइम दिया था, क्योंकि उसमें मैं पहली दफ़ा क्लाइम कर रहा इस तरह 8000 मीटर से बुलंद पीक और विदाउट ऑक्सीजन, तो उसने मुझे ज़्यादा टफ टाइम दिया था। और उसके बाद नेपाल में माउंट कंचनजंगा, जो कि दुनिया का चौथा पीक है, उसने टफ टाइम दिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी चीज़ें बाकी सारे पीक्स लाइक के टू 3 दफ़ा मैंने की है इंक्लूडिंग लास्ट ईयर, और माउंट एवरेस्ट 2 दफ़ा की है, इतना वो नहीं हुआ, इतना मुश्किलात हमें पेश नहीं आई, लेकिन जो जो दो पीक्स है किलर माउंटेन नंगा पर्वत और कंचनजंगा पे काफ़ी मुश्किलात का सामना कर। वैसे K2 को किंग ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किंग ऑफ माउंटेन्स। ये जो उसका बॉटलनेक होता है, ये बताएं कि ये क्या होता है और इतना मुश्किल क्यों होता है? जहाँ तक बॉटलनेक का सवाल है, बिल्कुल K2 को किंग ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, उसका एक अलग यानी एक दहशत है K2 का, खासकर उसके हवाले से, बॉटलनेक के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा मोहम्मद रिसाद पारा जो विंटर सेंड के लिए गए हुए थे, तो इसी बॉटलनेक पे उसकी यानी उस वो वहाँ पे रह गए थे, और ख़राब मौसम की वजह से, और उसकी वहाँ पे डेथ हुई थी। तो
बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे वाक़ियात है के टू बोटल नेक पे, लाइक 2008 में जब 11 बंदों की डेथ हुई थी वो यही इसी बोटल नेक पे हुई थी, या के दौरान काफ़ी जो लोग शेरपाज हो गए या उनकी डेथ से हुई है बोटल नेक हुई थी, एक दहशत है के टू का बोटल नेक की। तो बाकी पीक्स पे अपना अपना है, लाइक जीवन पे भी है, जापानीज कुलवर कहते हैं, या अन्नपूर्णा पे भी है उसको कुलवर कहते हैं, इस तरह के अपने अपने, लाइक नंगा पर्वत पे किंग शॉफर वॉल है जो कि 120-130 मीटर का जो वॉल है जो बिल्कुल 90 एंगल पे आपने क्लाइम करना है, इस तरह के हर पीक के ऊपर एक न एक क्या एक दो ऐसे पार्ट्स है जो कि आपको डरा देती है। तो पीक्स का अपना एक अलग हार्डनेस या वो कह सकते हैं कि है। सरबाज मावरों में भी इस्तेमाल होता है कि भाई पहाड़ सर करना, तो ये लेकिन आप, मैं चाहूँगा कि लोगों को ये बताएं कि पहाड़ जो असेंड करना चढ़ना वो तो मुश्किल होता ही है, पहाड़ से उतरना उसको डिसेंड करना ये कितना डिफिकल्ट है? हाँ, असल में हम अपने जबान में कहते हैं कि क्लाइंबिंग की जबान में कि क्लाइंब करना सिर्फ वो नहीं है, बल्कि जब आप, क्योंकि जब आप ऊपर क्लाइंब करते हैं तो आप अपना पूरा जो एनर्जी है वो आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, तो समिट के बाद जो वापसी में आपको इलम में होगा या होगा कि ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज होती है वो डिसेंट में होती है, क्योंकि जो आप अपना पूरा पावर है वो समिट के लिए लगाते हैं, वापसी में आप बिल्कुल वीक होते हैं और आप बिल्कुल आपकी जो ताकत होती है सकत ख़त्म होती है, जिस वजह से ज़्यादातर डिसेंट में। तो जितना क्लाइंबिंग में क्लाइंब करना इम्पोर्टेंट है आपका, इतना ही डिसेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको जब भी कोई हम क्लाइंब करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप वहाँ तक जाएं जहाँ तक आप जाके वापस भी आ सके। तो जितना क्लाइंब, लाजमी बात है जितना क्लाइंब ऊपर करने को इम्पोर्टेंस है वो वापसी में भी आप उस चीज़ को देख के ही आपने क्लाइंब करना है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान का मवाज़ना अगर दीगर ममालिक से करें तो आप ख़ुद भी दूसरे ममालिक में चोटियां सर करने जाते हैं, तो दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में जो सहूलियात मैसर हैं उनको कैसे देखते हैं आप? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा रही क्योंकि मैं पाकिस्तान में काम करता था आमिर मजी के साथ, जो कि नेपाल का ओनर है, नेपाल का बहुत दुनिया में इस वक्त टॉप 5 में आता है, उसके साथ मैं यहाँ पे काम करता था पाकिस्तान में K2 पे ब्रॉडपी पे काम करके, वही पैसे यूज़ करके मैं फिर नेपाल जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में स्पॉन्सर्स, लाइक मैंने स्पॉन्सर्स का तो फिर नाम ही ले सकता, स्पॉन्सर्स हमारे जो लोकल स्पॉन्सर्स है पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया जो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट लेवल पे तो स्पॉन्सर्स नहीं दे सकते, लेकिन वो सहूलियात एक क्लाइंबर के लिए या हमारे क्लाइंबिंग कम्युनिटी के लिए मुहैया कर सकती है, क्योंकि इनकी ड्यूटी है, इनका काम है कि इतने इतने बड़े जो डिपार्टमेंट्स है टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो इनका काम ही यही है कि आप इनको वेल ट्रेन करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल बंदा नहीं है इंटरनेशनली सर्टिफाइड गाइड। तो मैं हर चैनल पर या हर मेरा स्पीच में ये होता कि हमें अहशत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसे इदारे की, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जहाँ से हमारे लोग, हमारे यंगस्टर्स वहाँ से ट्रेन हो और वो सर्टिफाइड हो, ताकि जो अभी देखें ज़्यादातर अभी 80% हमारे नेपाली भाई, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, ज़्यादातर काम हमारे पीक्स पे आके वो सर्विसेज दे रहे हैं, हालांकि हमें देने चाहिए, क्यों, ये मेरी गलती तो नहीं है ना, मैंने तो अपना जो 14 पीक्स था मैंने दुनिया में एक उसका पाकिस्तान के लिए मैंने पूरे दुनिया के 14 पीक्स तो कर ली, लेकिन फिर भी मेरे पास इंटरनेशनल गाइड का लाइसेंस नहीं होना, ये गवर्नमेंट के ऊपर और या टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सरबाज, और जैसे आप हो गए, शहरोज काशिफ हो गए, नाला क्यानी हो गए, टैलेंट हमारे पास कोपेमाई में बहुत है, आपको लगता है कि मजीद ट्रेनिंग अकेडमीज का क्याम होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जो जहाँ पे अभी देखें गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में, ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दों में हमारे पास 5-8 हज़ार मीटर से बुलंद
चोटियाँ हैं, K2, ब्रॉड पीक, G1, G2, गशेब्रुम 1, गशेब्रुम 2 और नंगा पर्वत, और हमारे पास 6000 और 7000 मीटर्स के पीक कहीं पे भी नहीं है दुनिया में, इतने हैं, इतना पोटेंशियल है हमारे पास। तो हम क्यों ना ऐसे इदारे कायम करें जो कि हमारे बंदों को ट्रेन करें, क्योंकि अगर जब तक आप किसी भी गेम में, किसी भी खेल में आप इंटरेस्ट पैदा नहीं करवाएंगे तो यंगस्टर कैसे आएंगे इसमें। तो हमें चाहिए कि हमें इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल दिलचस्पी के साथ काम करें, खुलूस दिल से काम करेंगे तो फिर आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सरबाज खान साहब, और आपका बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि आपने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। अब यू नो 8000 से बुलंद तो चोटियां सारी आपने सर कर ली हैं, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट यू। लेकिन हाँ, आप जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की तो आई वुड लाइक कि अब आप ट्रेनिंग के मैदान में आए और बच्चों को, आने वाले टैलेंट को, उसको मज़ीद ट्रेन करें, ताकि जो लोग करना चाहते हैं एक्चुअली तो फिर वो इंटरेस्ट लें, आगे बढ़ें, जब मौके होंगे तो क्यों नहीं आगे आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।